ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले के विजयनगर पुलिस की टीम ने क्रीड़ा विभाग के एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो गांव-गांव में घूम घूम कर ग्रामीणों से सोलर प्लांट के नाम पर पैसों की ठगी कर रहा था। आरोपी अधिकारी ने 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों से हजारों रुपए की ठगी कर चुका था। मामले पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कल ग्राम की ओर से सूचना मिला कि एक विजयनगर का गुलाम कादरिया अंसारी, पिता का फारूक अंसारी, तो क्रीडा विभाग में संचालित जो योजना है सोलर जो प्लेट लगता है उसके नंबर 84 नंबर सभी ग्रामीणों से 33 रुपया फर्जी तरीके से लिया जा रहा है। इस तरह ग्रामीण 30-32 ग्रामीण से लिए 233 रुपये लिए गए हैं और उससे किसी प्रकार का कोई पापी नहीं दिया गया, जिसके आधार पर आरोपी को 420 के तहत माला बंद कर गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे चौकी इलाके में तभी आए, लेकिन पता चला पूछताछ में कि गणेश मोड़ और बलरामपुर में हुई ऐसा थोड़ा लगे। मध्य प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही आंधी पानी का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान सोमवार को मैहर में माता शारदा के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की जान आफत में पड़ गई। शारदा मंदिर का रोपवे बीच रास्ते में ही रुक गया और इसमें सवार श्रद्धालु हवा में झूलने लगे। बताया जाता है कि मौसम बिगड़ते ही बिजली गुल हो गई, इस वजह से रोपवे की ट्रॉलियाँ बीच रास्ते में अटक गई। इस दौरान 28 ट्रॉलियों में करीब 80 श्रद्धालु 2 घंटे तक फंसे रहे। यहाँ दोपहर करीब 3 बजे आंधी व बारिश होने से लाइट गई और ट्रॉलियों का संचालन बंद हो गया था। श्रद्धालुओं को ट्रॉली से सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहाँ कुल 32 ट्रॉलियाँ हैं, जिसमें 2-2 ट्रॉली हमेशा स्टेशन में रहती हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने घंटों बीत जाने के बाद भी बच्ची का मेडिकल नहीं करवाया और न ही रिपोर्ट दर्ज की है। बताया जा रहा है कि कुमराज थाना क्षेत्र में कंजर समाज की 2 नाबालिग बच्चियों को बिराई गाँव के सागर के डेरा कंजर समाज के बदमाशों ने जबरदस्ती उठाकर ले गए और एक बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को गंभीर हालत में थाना ले गए, जहां पुलिस की घोर लापरवाही देखने को मिली। फिलहाल पीड़ित बच्ची के परिजनों ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। कपड़ा सिलाने गए थे और नैनसिंह और उसका भाई और ये लोग आए और हमें ले गए, तो हमें तो मुझे तो दूर बांध दी। कहाँ पे किया बेटा जी? कौन सी जगह? रामपुरे के नल्ला में। तो मैं जा रही है कपड़े सिलाने के लिए, लड़की के लार गई। ये क्या हुआ? ये हुआ, ये कपड़े सिलाने गई नहीं जी, वहाँ से इसको पकड़ कर लिए गया। बस सुबह से गया, फिर हम आ गई और घर आने पर उस लड़की ने सूचना दी कि तुम्हारी लड़कियों को पकड़ लिया बदमाश गुंडों ने। हमने पुलिस थाने पर सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गए और पुलिस को पूरा बताया हमने कि सब ऐसी ऐसी घटना हुई हमारे साथ में, लेकिन पुलिस वहाँ पर 11-12 बजे तक कोई नहीं। कौन से गांव की घटना है ये? लड़की है मेरी भतीजी, तो है रहने वाली लक्ष्मी नगर की। ये कुमराज तहसील में आता है, ये कुमराज पंचायत में आता है और जो बदमाश लोग हैं वो बिरई पंचायत के सागर के। वहीं छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा रेस्ट हाउस तिराहा के पास कपड़े की दुकान में आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि रात के समय बारात से लौट रहे दोनों ने दुकान से धुआं निकलते देखा, जिसकी जानकारी दुकान मालिक महबू अली और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दुकान का ताला खुलवाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। बताया जा रहा है कि दुकान में करीब 20 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उनकी गाड़ी पहले नंबर 15 से आई, छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित सृष्टि नर्सिंग कॉलेज की 25 छात्राओं की तबीयत को अचानक बिगड़ गई, जहां उन्हें आनन फानन में कोरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।
फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने छात्राओं के फूड पॉइजनिंग की आशंका जाहिर की है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि तेज गर्मी से तबीयत खराब हुई है, मेस का खाना ठीक था। गर्मी का भी हो सकता है और खाने का भी हो सकता है। बच्चे लोग क्या है, आउटिंग में सर बाहर जाते हैं तो कभी कभी मैंने भी देखा है अक्सर कि वो लोग कुछ कुछ खाते रहते हैं बाहरों का और लेकर भी आ जाते हैं कभी कभी। जी मैंने सुबह खुद जाकर मैंने चेक किया कि खाना वाना कैसे था। सुबह उन्होंने चपाती और आलू की सब्जी बनाई थी जो कि ताजी थी। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। रीवा और उमरिया में 2-2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मलजखंड, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और खजुराहो में कहीं कहीं बारिश हुई। इसे प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पर देखा जा रहा है। रात में शिवपुरी में भी बारिश हुई। इधर प्रदेश अब गर्मी के तेवर भी नरम पड़ने लगे हैं। अधिकतम तापमान 44 के नीचे आ गया है। सबसे ज़्यादा सिवनी में 43.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में यह 43 से नीचे ही रहा। भोपाल में 40.8, इंदौर में 37.7, जबलपुर में 38.5 और ग्वालियर में अधिकतम पारा 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 41 से नीचे पारा आ गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ।